अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह ने विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क किया और इसी दौरान फल सब्जी मंडी में व्यापारियों और आढ़तियों की ओर से जितेंद्र सिंह का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भंवर जितेंद्र सिंह का कहना था कि वे विकास के नाम पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और भाजपा ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है जिन्हें जनता जानती तक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पहले का कार्यकाल भी जनता ने देखा है और इसीलिए वे अलवर के विकास के नाम पर जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने दौरे के दौरान कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की और साथ ही भाजपा के उम्मीदवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा जिसे अलवर की जनता जानती तक नहीं, जबकि मुझे और मेरे 5 साल के कार्यकाल को जनता ने बखूबी देखा है और मैं अपने विकास के नाम पर जनता से वोट की अपील कर रहा हूं। पिछले 5 साल में चाहे वो पल्लेदार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मंडी हमारे साथी व्यापारी हो, सब दुखी यहाँ एक तरह से राजनीतिकरण हुआ है मंडियों का। जिस तरह से GST, नोटबंदी, काले कानून आए हैं उससे हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप सोचिए इस सरकार से खुश है तो कौन खुश है? व्यापारी नाराज, किसान नाराज, बेरोजगार नाराज, गरीब आदमी नाराज। तो अगर खुश है तो शायद मुझे लगता है कि ये मालिया जैसे लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं और ये नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोग हैं वो इस सरकार से खुश है। बाकी जनता तरह तरह